नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रश्न एक, किस बैंक ने COVID-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत का समर्थन करने हेतु एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भारत को $3 मिलियन की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक या ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भारत को $3 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपए के बराबर अनुदान की मंजूरी दी है। अनुदान को जापानी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल स्कैनर, रोग निगरानी की वृद्धि और शीघ्र पहचान, संपर्क अनुरेखण और उपचार के लिए किया जाएगा। प्रश्न दो, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने COVID-19 के प्रसार को रोकने या मुकाबला करने हेतु मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन बी केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ऑप्शन सी MSS इंडिया या ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करके इसे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया है। इसका मॉडल बनाने वाले निर्माता के अनुसार 10 बेड की यूनिट स्थापित करने की लागत लगभग ₹1,00,000 आएगी, जबकि घर में क्वारंटाइन के लिए एक बेड की लागत लगभग ₹15,000 होगी। बेड आइसोलेशन सिस्टम को मेडिकल ग्रेड सामग्री संरचना पर समर्थित विशेष पारदर्शी और पाराभासी सामग्री और निर्माण प्रक्रिया से तैयार किया गया है। प्रश्न तीन, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को टर्मिनस आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीवा गांगुली, ऑप्शन बी विधु नायर, ऑप्शन सी विनी महाजन या ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2010 बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत है। हार्दिक पिछले साल PMO में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। प्रश्न चार, विख्यात व्यक्तित्व सोनम शेरचिंग लेप्चा का निधन हो गया, वे किस कार्य हेतु विख्यात थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेरपा, ऑप्शन बी लोक संगीतकार, ऑप्शन सी राजनेता या ऑप्शन डी बांसुरी वादक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लोक संगीतकार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरचिंग लेप्चा का निधन हो गया। उनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिमपोंग में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न पाँच, किस देश के साथ भारत ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी मॉरिशस। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच पारंपरिक प्रणाली चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर दो देशों के बीच चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देना है। प्रश्न छः, कार्यशील पूंजी की कमी के मुद्दों के समाधान हेतु किस राज्य सरकार ने एक नए उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। प्रश्न सात, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक mpay.me लॉन्च किया है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी मोबीक्विक या ऑप्शन डी फोन पे। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मोबीक्विक। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाई रंगनाथन, ऑप्शन बी एन शिवरामन, ऑप्शन सी शशिकांत शुक्ला या ऑप्शन डी मनोज पांडे। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एन शिवरामन। प्रश्न 9, किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 10, सेबिक की पॉलीकार्बोनेट सुविधा किस देश में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनने हेतु तैयार है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर आधारित होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी स्पेन। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्पेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।